करता। अरे यहाँ लीजिए, आराम से लीजिए, एकदम आराम से, पूरा अच्छा से, पूरा अच्छी से, टाइट लेके, मस्ती लेके, पूरा मस्ती से, धीरे 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 धीरे, होले होले, बम 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 बम, इधर इधर इधर। आगे मत चलते मत। आ रहा है कि छपरा से थोड़ा लीजिए ना, ले रहे ठीक है मिलते रहेंगे ब्रेक के बाद। बाद बढ़िया होगा, टेंशन नहीं लेंगे। बहुत भारी है सर, क्यों नहीं सर, आप ऐसे पकड़ी सर, देखिए आप इधर इधर सबसे भारी चीज लेके आ रहे हैं, झोला जा रहा है, मेरा झोला के फटे गिरेगा ना, अंदर लग तो रहा है कि नहीं है, गिरेगा तो उठा लो। हम आज मंडे होता ना भाई, फेंक देते। अरे गिराना नहीं, नहीं सर गिराएंगे नहीं सर, यहाँ से फेंक देते मंडे होते। मेरी हर खुशी है तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आस की है तू, मेरी जिंदगी है चाहत का पहला एहसास है तू, चाहत का पहला एहसास है तू, बुझ के भी बुझ ना पाई वो प्यास है तू, हर तरफ पब्लिक है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आस की है तू। देख लिए चाहिए। कभी एक्टिंग करने जा रहा हूँ क्रांतिवीर फिल्म का। आ गए सबके साथ तमाचा देखने, अब ये मुझे बाकी पलटका देगा, बड़ी बड़ी आगे निकलेगी, जी बढ़ाएगी, घर जाएंगे सब खाएंगे पियेंगे सो जाएंगे, सुबह होगा सब भूल जाएंगे, क्या हुआ क्या नहीं कुछ पता नहीं। भगवान ने जिंदगी दी थी जीने के लिए, जिंदगी जिए मगर कोई नहीं जीता है, जिंदगी लिए जी क्यों मरे कुछ पता नहीं। भगवान ने बहुत अच्छी चीज बनाई थी इंसान, नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए, देखते हैं देख कलम वाली भाई मुझे जगाने की कोशिश की, मैं जाग गया, दिल में सुकून है, मगर याद रखना तुम लोग गीदड़ों की तरह सोते रहोगे। अबे किसको बोल रहा बे, ये कलम वाली भाई मुझे जगाने की कोशिश की, मैं जाग गया दिल में सुकून है, लेकिन याद रखना तुम लोग इसी तरह तमाशा देखते रहोगे और तुम्हारे बच्चे बैठे रहेंगे। चलो मैं बोलता हूँ, अभी भी जाग जाओ, अभी भी वक्त है सुधर जाओ, नहीं तो बाद में तुम्हारे करने के लिए कुछ नहीं बचेगा, ऐसी मौत मरोगे ना तुम्हें जमीन नसीब होगी ना आसमान। I'm
सौरभ कुमार फिर आपके सामने एक डायलॉग पेश करने जा रहे हैं नाना पाटेकर। पंजाब बना देता है, जाओ जाओ चलो छोड़ दे मुझे अकेला, लड़ने तो मुझे अपनी जंग की लड़ाई, साला झूठ का गला घुटेगा एक दिन सच्चाई। गिरो सालो गिरो, मगर उस झरने की तरह गिरो जो ऊंची ऊंचाई से गिरकर भी अपनी सुंदरता नहीं खोता है। ऊंची दुकान पीकी पकवान, 100 में 80 बेमान, फिर भी मेरा देश महान। हमने सौरभ कुमार का अंडा वाला। हेलो, मैं एक और डायलॉग सुनाने जा रहा हूँ, कृपया गौर से सुनेंगे। ये विक्की सर, ये विक्की सर मुझे जगाने की कोशिश की, मैं जाग गया, दिल में सुकून है। तुम लोग गिद्धों की भांति सोते रहो, मुझे कुछ नहीं जाता, मैं तुमने तुम्हें जगाने की कोशिश की। तुम जागो या ना जाओ, मैं जाग गया, दिल में सुकून है, चैन है। मैंने अंडा दिया, अंडा देने में जो मेरा पेट हल्का हुआ मैं जानता हूँ। तुम लोग भारी पेट करके चलते रहो, मुझे क्या जा रहा है। ये भारी पेट किसी दिन गिरेगा, लोग हंसेंगे, मुझे क्या जा रहा है। तालियां मारेंगे और हंसेंगे। नीच भी जो अंडा बनता है वो वही अंडा रहता है जो तुम लोग खाते हो। जो मैंने दिया है वो अंडा तुम्हारे लिए बहुत लाभकारी है, याद रखना। तुम्हारे जिंदगी के लिए एक अमूल्य अंग है वो अंडा। अंडा में प्रोटीन है और वो अंडा मेरे द्वारा है। अरे कुछ मदद कीजिए। ए भैया 5 रुपया और कुछ दिया भैया, और अंधेरी गली का भिखारी है, और पाचे भैया, और पाचे भैया, भैया मिला छुटकारा, रैगिंग ना होगा दोबारा। मानिकुई के नदी तट के किनारे आज मनाया जा रहा है फ्रेशर पार्टी। आइए हम अपने संवाददाता चंदन से पूछते हैं कल से आज तक के माहौल में क्या क्या हुआ। हेलो हेलो चंदन, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं? अच्छा हमें बताइए कि वहाँ माहौल कैसा है, कल के बारे में और आज के बारे में कुछ बताइए।
नमस्कार प्रमोद, नमस्कार। और यहाँ जो मनाया जा रहा है कि कल से जो ये फ्रेशर पार्टी का जो तैयारी चल रहा था, खास करके कहा जाता है कि फ्रेशर के एक दिन पहले का जो रात होता है वो बहुत खुशी का रात होता है, मस्ती का रात होता है, लेकिन पूरे फर्स्ट ईयर के ट्रेनिंग में इसके बारे में इतना दहशत था कि लगता है कि सभी लोगों के रूम के आगे ताला लग गया था। और इतना ही नहीं, गर्ल्स हॉस्टल से लेकर टूल रूम से लेकर पूरा गम्हरिया में मातम का माहौल छाया हुआ था। और आज हम लोग मानी क्यू में खुशी मना रहे हैं। और इस बारे में आइए हम मानी क्यू के बहुत पुराने और एक्सपर्ट मछुआरे पीके भ्रष्टाचारी से बात करते हैं। भ्रष्टाचारी जी, बताइए कि आपके बारे में यहाँ क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा? और यहाँ हमें जैसा कि सुनने को मिला है कि बहुत दिनों से टूल रूम के सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का जो फ्रेशर का जो प्रचलन चलते आया है वो बहुत दिन से चल रहा है और आप बहुत दिनों से इसे देखते आ रहे हैं, आप इस बारे में मुझे बताएं कि कैसा यहाँ का होता है पिकनिक? देखिए, चूंकि हम यहाँ पे बहुत दिन से हैं, वो जो नदी देख रहे हैं आप लोग उधर है पीछे में, हाँ, तो वही है नदी, मेन नदी मानी क्यू। तो उसमें हम बहुत साल तक तो मछुआगिरी किए हैं, मछली मारे हैं। हाँ, तो बहुत दिन में मछली मार ले बानी हुआ। तो उसमें का है कि हम कबो कबो नाव लेके भी उस पर जाते थे, इधर आते थे। तो हुआ क्या कि वो कौन सी है टूल रूम, हुआ से आए थे, कौन आए थे, अरे ब्लू ड्रेस में जो होता है लोग, वही लोग आए थे, बोले थे कि बच्चा लोग को यहाँ पे वो पार्टी देना है। तो हम बोले कि देखिए, हमको तो बहुत एक्सपीरियंस है यहाँ का, यहाँ देखिए, यहाँ बालू है, उधर पानी है, उधर पुल है, उधर बस है, उधर ट्रक है, उधर धोबी लोग कपड़ा धो रहा है, उधर मिट्टी डुला रहा है, ये सब हम जानते हैं। देखिए, अभी आप लोग देख सकते हैं, ये सब बात हम जानते हैं। उधर पेड़ है, उधर पहाड़ है, वहाँ बिजली का तार है, वहाँ पुल है, वहाँ देखिए वो जो पिलर दिख रहा है वो मेरे सामने बना था, मेरे सामने बना था सन 1717 में, बचपन में जब हम छोटे थे, बचपन में जब हम छोटे थे ना, तब वहाँ पे वो बना था, हम अभी तक जानते हैं। हाँ, और देखिए वहाँ पे वो पुल जो है वो हाल ही फिलहाल में लगा है। तो हम बोले कि बहुत अच्छा जगह है, आप लोग आइए यहाँ पे, इंजॉय कीजिए और इंजॉय कीजिए। और देखिए, मछली भी मार सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप लोग डालिए उसमें बंसी और फिर निकाल लीजिए, मतलब मछली। और देखिए, हाँ, चंदन जी कुछ पूछना चाहते हैं। भ्रष्टाचारी जी, तो हम आपसे जो टॉपिक पूछे उससे थोड़ा सा आप हट गए हैं, हमें ये बताएं कि यहाँ पर जो चलते आ रहा है जो फ्रेशर, उसमें क्या होता है, यहाँ पर कुछ खास चीज बताएं और आज क्या होने जा रहा है। हम आशा करते हैं कि इसके बारे में भी आपको जानकारी होगा, यहाँ पे आज क्या होने वाला है, इसके बारे में कुछ खास हमको बताएं। बहुत अच्छा सवाल आप पूछ दिए। अरे देखिए, बहुत कुछ होता है, हम ऐसे नहीं ना बता सकते हैं। स्टार डांस कीजिए, गाना गाइए, अरे हाँ, वो बताने वाले थे। अरे होता कहाँ है ना कि सब कुछ खुल जाता है सिवाय चड्डी के, लड़का लोग का सब कुछ खुल जाता है सिवाय चड्डी के, और फिर सब दौड़ता है ऊंट टाइप से। अरे देखिए, आप लोग छेड़िए मत, देखिए परेशान मत कीजिए, आप लोग बूढ़ा बुजुर्ग आदमी हूँ हम, और आप लोग परेशान करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे सब कुछ उतर जाता है, देखिए परेशान मत कीजिए, आप परेशान कीजिए। हाँ, चंदन जी कुछ पूछना चाहते हैं। अभी क्या अंतर दिखा है, दोपहर से सुबह तक गामा गामी रही होगी, तो उन्हें मछली पकड़ने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? भ्रष्टाचारी जी पूछ रहे हैं हमारे संवाददाता न्यूज सेंटर से कि जो यहाँ पर सुबह से जो आज यहाँ पे गहमा गहमी का माहौल है, इस माहौल में आपको कोई डिस्टर्ब तो नहीं हुआ मछली पकड़ने में? मछुआ है, मस्ती करेगा, ठीक है। भ्रष्टाचारी जी धन्यवाद, धन्यवाद प्रमोद, फिर नेक्स्ट जानकारी मिलेगी तो आपसे हम संपर्क करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। कृपया माफ कर दीजिएगा। बात तो समय की थी, जब हम कांसर चैम्फरिंग सिखाने वाले थे और प्लेट 42 जमा कराने के लिए बोल रहे थे, अभी सुबह सुबह अचानक सभी को बुलाया। हाँ जी, ये स्विफ्ट, इधर आइए, इधर आइए। सब कुछ बोलते हैं, लड्डू खड़ा रहता है।
गूंगा है क्या तुम गमे एक रख के गूंगों का बैच चाहिए तो हाँ जी ओपनिंग 42 क्या हुआ जमा कर दिया सर अरे कहाँ जमा किया मुझे नहीं दिखा दिया इसे टाइट करने के लिए कहा इसमें 14 बार झूलता क्यों है ये मेरा हाथ देख रहा है और तेरा हाथ देख तेरे से ज्यादा मोटा है एक हाथ मारूंगा ना 6 महीने के लिए सो जाएगा अरे हैमर है ना हैमर इससे मारूंगा ना छोटा हो जाएगा यूजलेस पर्सन उम्र कितना है फिर उसके बाद फिर उसके बाद कांसर प्लेट 42 चेक करने लगता है उसमें सभी स्टूडेंट्स प्लेट 42 बना लिया होता है लेकिन हमारे एक सहपाठी अजय रजक हाँ जी आपका प्लेट 42 कहाँ तक हुआ भाई वीडियो देना बाद में देख ले सर अजय सर बता सर वो थोड़ा सा लंबा वाला लंबा छोटा कर क्या बकता है मारेगा ना खींच के एक तो तेरे को मैं कभी तेरे को क्या पूछूंगा कि तेरा बड़ा और लंबा वाला कैसा है क्या बोले तुम सर बीएस स्कूल का सीडी कौन की गीत रहे हो काम करना सीख लेते हैं देखो बीच पकड़नी है तो बीच थ्री कर जाओ कट गया तुम कांतर का ओके रख लाओ तो तुम नहीं देंगे हम जाओ या है जान तुम ही देंगे दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे दागा नहीं करेंगे सनम दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे दागा नहीं करेंगे सनम ओ रब दी कसम यारा रब दी कसम दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे दागा नहीं करेंगे सनम आवारगी में बन गया दीवाना मैंने क्यों साध्वी को नहीं जाना आवारगी में बन गया दीवाना ना आता नहीं यकीन कैसे क्या हो गया किस तरह मैं तुमसे बेवफो मुझे माफ कर दो करूंगा ना तुम पे सितम ओ रब दी कसम यारा रब दी कसम दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे सनम ओ रब दी कसम यारा रब दी कसम दिल दे दिया है जान कौन है उदय सर की नाम पे ताली रास्ता क्लियर करो दौड़ने के लिए हाँ और नेक्स्ट ग्रुप उसके पीछे लग जाओ नेक्स्ट ग्रुप उसका पीछे लग जाओ 10 ग्रुप हाँ ठीक है हेलो सबको इंस्ट्रक्शन समझ में आ गया अभिषेक सबको इंस्ट्रक्शन समझा दिया है इंस्ट्रक्शन फुल समझा दिया ठीक है टू थ्री गो
डिकी कुमार इंजीनियरिंग गुटवाड़ विल हैपन आता है डिड नॉट कंक्लूड दिया जैसे क्विकली लेट अस सी हु हैज द एबिलिटी टू डू इट बी क्विक भ्रष्टाचारी बोला कुछ यार बस का खिड़की पे जरा जूम कीजिए तो बस खिड़की पे जरा जूम करके देखिए तो दिख रहा है क्या एक मिनट गेलो ऐसा हाल दे ठीक कर लीजिए पे पे यूं कर दिए नेक्स्ट रन दौड़ते हुए पकड़ लीजिएगा कौन होगा विजेता ये तो कोई नहीं जानता लेकिन देखिए वहाँ पे सभी जल्दी जल्दी अपने शर्ट पैंट को बंद कर रहे हैं और देखिए वहाँ से कौन सबसे पहले रेस लगा के आगे बढ़ता है जल्दी 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 ये देखिए ये कौन लड़का है ये चेन लगाते हुए दौड़ा बटन लगाते हुए दौड़ रहा है ये अरे ठीक है कॉमन सेंस यस भ्रष्टाचारी सेकेंड ईयर सर क्यों हो रहा है क्या बटन लगा था यार पोर्स लेंगे अपना सभी से अपना फोन ले लेंगे सभी अपने खूबसूरती से अंग प्रदर्शन करें और देखते हैं कि आगामी रेस का कौन विजेता होता है और सभी रेडी हो जाइए और हम सब आप लोगों को जाने के लिए आते हैं कि देखते हैं कौन है और एंड गो सभी लड़के काफी तेजी से डरे हैं देखते हैं कि कौन विजेता होते हैं सभी एक दूसरे को पछाड़ते हुए और अपने आप को आगे किए बहाते हुए देखते हैं सभी सबसे आगे देखिए डर रहा है अपने हाथों में कपड़े लिए हुए और ये देखिए सभी अपने पोजीशन ले रहा है वहां से पहुंच गया है सभी अपने जल्दी जल्दी से अपने कपड़े बांधने की कोशिश कर रहा है और इस तरह से सभी ने अपने पैर बांधना शुरू कर दिया कुछ लोगों ने पैर बांध लिया लेकिन कुछ लोगों ने अभी तो आप पहुंच ही रहे हैं देखिए अभी सब अपने सन्ने बजे पहले हैं उसके बाद अभी सब अपना बटन लगाना शुरू किया है देखते हैं इनमें से कौन सबसे ज्यादा फुर्ती है किनके पास जीते वाली स्फूर्ति है जो कि जल्दी से जल्दी अपने कपड़े पहन करके वापस अपने ओरिजिनल पॉइंट पे आते हैं जो पाल आएंगे उन्हीं को पता पसंद किया जाएगा दिख नहीं जल्दी करें जितना जल्दी करेंगे वो तो पता पाएंगे ये खेल जल्दी का है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी करें और एक लड़का दौड़ चुका है देखते हैं क्या विजेता होता है और उसके पीछे एक लड़का और दौड़ा और उन्होंने उनके हाथ के बटन लगाते हुए और इनका नाम साकेत कुमार दूसरे राउंड में सबसे आगे है उसके ठीक पीछे अभी देखना थर्ड स्टार पे कौन आ रहे हैं थर्ड स्टार पे आए हैं एक और लड़के जिन्होंने सब कुछ पहन रखा है अभी देखना अंकुर कुमार आए हैं थर्ड स्टार पे इस तरह से देखते हैं किन लोगों ने अपना बटन लगाया कि नहीं कृपया अभी कमेटी के मेंबर से अनुरोध है कि कृपया सारी हाथ मारवे इजी से फोल्ड कर लो जिससे पहना जा सके जल्दी से हाथ में उठा लो कपड़ा टिप्पू हाथ में कपड़ा था अरे लौड़ा लड़की लोग वहां बैठ के देख रहा कैमरामैन जी से अनुरोध है कि इस अद्भुत नजारे को बखूबी से अपने कैमरे में कैद करें और इन लोगों के इस अद्भुत नजारे इस अंग प्रदर्शन को लोगों के सामने रखें रेडी है आप लोग यस मैं फतुआ हम फतुआ हाँ सब रेडी हो गए मसल दिखाने के बाद को पता है ठीक है 1 2 3 गो सभी लड़के फिर से तीसरे राउंड में सभी दौड़ रहे हैं और सबसे आगे जो दौड़ रहे हैं अपने कपड़े को अच्छी तरह संभालते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं देखिए क्यों सबसे पहले पहुंचते हैं सभी ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे लग रहा है कि आगामी वाले आदमी लोग हैं ठीक है सभी अपने पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जल्द से जल्द अपने कपड़े पहने जल्द से जल्द सभी अपने कपड़े पहन रहे हैं सबसे पहले गंजी कोई पैंट कोई शर्ट कुछ भी पहन ले जल्दी कुछ लोग शर्ट पहन रहे हैं कुछ लोगों ने अभी कुछ पहन ही नहीं रहा बोलने दो
जल्दी जल्दी कपड़े पहने और देखते हैं कि कौन होता है आगामी तीसरे राउंड का विजेता। और कुछ लोगों ने कपड़ा पहन लिया है और एक दौड़ने लगे हैं और उनके पैर को देखते लगता है कि इतनी दौड़ इतनी तेज से आदमी लड़के। और दीपू सबसे आगे है, दीपू सबसे आगे है, उनका दौड़ क्या तेजी से है, इतना तेजी से आदमी लड़के पहली बार दौड़ता है, पहली बार मैराथन के रेस में सब पुलिस के किस में। और पहली बार दीपू मैदान में आ गया है तीसरे राउंड के वजह था। दीपू दीपू और उसे दूसरे सारे लोग प्रथम सेकंड और तृतीय स्थान पे वहाँ दौड़े हैं। अमित कुमार लाल प्रथम आए हैं, वैसे देखना है उनका है। तो अभी से निवेदन है अभिषेक जी से कि वो सभी लड़कों को एक साथ लाइन में लगा दे, अगर उसके बाद एक और है तो दे। ओके, सभी लड़कों से रिक्वेस्ट है कि वे अपना शर्ट पैंट और गन रनिंग में भी फर्स्ट आएंगे। वैसे सभी लड़के अपना पोज दिखा रहे हैं, देखिए अभी एक फोटोग्राफ्स लिया जा रहा है उनके। गो कर दिया था होता है। जैसे जैसे राउंड आगे की ओर बढ़ता जा रहा है उन लड़कों का फूर्ती भी काफी बढ़ता जा रहा है क्योंकि वे नियम से काफी ज्यादा वाकिफ हो गए हैं। और देखिए इस बार ऐसा लगा कि जैसे वे लोग बहुत पहले से जान रहे थे नियम और काफी अच्छे से दौड़ने की कोशिश किया। जितना जल्दी देखते हैं कौन सबके बिना चरण संयोगिता को हल ले आता है। तीसरे राउंड में हमारी निगाह उड़ी पड़ चुकी है और तीसरा राउंड का विजेता कौन है? क्या अभी तक कोई नहीं? और एक लड़का तो आ चुका है काला रंग का कमरा और नाम उसका क्या है? नाम हर्षवर्धन, कमर कमर हर्षवर्धन। और उसके पीछे देख चले जी और दो उनको ओवरटेक करने में लगा। कैमरे में और ये मुर्गी जी अपना शारीरिक प्रदर्शन कर रहे हैं और लगता है इस राउंड में संदीप जी विजेता हो सकते हैं। डिस्क्वालीफाई वहाँ पे हो गया था, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम था, वहाँ से कुछ प्रॉब्लम आया था। है नंदन रे रे मारे छवा रे वहाँ कुछ प्रॉब्लम लड़के तैयार हो जाए। सबसे पहले अपना पेज काफी अच्छी तरह से जितना ज्यादा होगा दिखा सकते हैं, जल्दी से अपने पेज से अपने पेज में आ जाए। देखिए अभी सभी लड़के अपना पेज लगता है कि ओलंपिक स्टार्ट हो चुका है और कौन आगे ये जाने के लिए हम लोग देखते हैं, वेट करते हैं। और लड़के पहुंच गए हैं और वहां पर हमारे मेंबर हमारे दोस्तों से अनुरोध है कि उन लोगों का सही निरीक्षण करें। सभी लड़के वहां पहुंच गए हैं, देखिए वे अपने गंजी वंजी जल्दी जल्दी पहन रहे हैं। सभी लड़के हम काफी फुर्ती से अपना दिखा रहे हैं, अपने फुर्ती को दिखाते हुए अपना जल्दी जल्दी अपना कपड़ा पहन रहे हैं। देखते हैं कौन लड़का है जो कि इन सबों में हीरा है। अभी सभी लड़के नंदन कुमार हाँ अभी देखिए काला शर्ट वाले लड़के सबसे आगे आगे चल रहे हैं। मुझे लगता है कि 15 मिनट है इसलिए यूज कीजिए ये शैम्पू जिनके जिससे इनके बाल यहाँ जैसे गोपाल से रखे हुए हैं वैसे बन जाएंगे। सलमान खान की वाइफ टाइप लगेंगी। तो यूज दिस शैम्पू लगेंगे सुंदर और ब्यूटीफुल और लड़के आप में मरने लगेंगी। ये कभी कभी मिलता है जब इसका यूजलेस फेलो लोग मिल जाते हैं। कांसर के सबका मैं यूजलेस फेलो ये उन लोगों को बहुत पहचान ही रही है। देखिए ये फ्रेशर पार्टी है, अगर आप लोग नहीं पार्टिसिपेट करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि आप लोगों ने फ्रेशर एक्सेप्ट नहीं किया। सिगरेट जलाने के काम आएगा आपका, चूल्हा जलाने के काम आएगा, गैस चूल्हा जलाने के काम आएगा, किसी का घर में आग लगाने के काम भी आ सकता है ऐसे। इसीलिए इस माचिस को 16 मशीन देखिए आप लोग गैदरिंग एक जगह मत करिए, गैदरिंग मत करिए। हो गया एक फोटो, हो गया एक फोटो प्लीज। लास्ट
समझ में नहीं आता है, पीले तो ज्यादा चढ़ गया क्या? अरे खुल के हंसना भाई, एकदम हंसना। गुड इवनिंग सर, सबका लीजिएगा ठीक है। कहाँ तक मिला रे? अरे पुलाव किधर? जल्दी अरे पूरी यहाँ पे ले आओ। अरे भैया, कैमरा भैया, सभी के सभी सर की स्पेशल क्वालिटी। थैंक यू सर। क्या बात? एक बात लेकिन बर्बाद मत करना यार, जो करेगा सेकंड ईयर में करेगा। भैया भैया तो सुनिए ना, पहले लीजिए मेरा कैमरा किसी और ही रख सर, बुलाए हम लोग का भी सर। मनीष का मेरा, मनीष का मेरा, लोरा का नहीं तो फेल कर नहीं हो पा रही हम है ना। अरे मनीष ऐसी समझ रहे बोला दे भाई, पुलाव किसी को पुलाव चाहिए बोला दे।
पूरी लाते हैं एक मिनट। हेलो वीडियो रिकॉर्डिंग सॉरी यार आप मेरे बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरा जगह सुनिए ना मेरा अभिनंदन का हम भी हैं गमरिया के पता है मेरा दोस्त तुम पिया क्यों।